देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ रोजगार के बयान पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन मात्र 7,15,000 लोगों को रोजगार मिला है। ऐसा है कि मोदी साहब ने जाहिर किया था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमारे युवकों को रोजगार देंगे। 10 साल में उन्होंने 20 करोड़ युवकों को रोजगार देना चाहिए था। हम उनको हिसाब मांग रहे हैं कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। 20 करोड़ का जो वादा था 10 साल में आपका, 10 साल में कितने युवाओं को आपने नौकरी दी। हमने जो फिगर निकाला है उसमें 7,15,000 लोगों को सिर्फ नौकरियाँ मिली। आश्वासित किया था 20 करोड़, हर साल 2 करोड़ और दिए 7 लाख। इस प्रकार से युवाओं को गुमराह करने का काम माननीय पंतप्रधान साहब करते हैं, और किस प्रकार से गुमराह करते हैं इसके ऊपर युवकों को भी ये ध्यान में आया कि ये अपने को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने यहाँ पे आने वाली थी, वेदांत फॉस्कॉन आने वाला था गुजरात में गया, बाकी टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट आने वाला था वो भी बाहर गया। अरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे नहीं तो युवाओं को कैसी, उनके हाथ को नौकरी मिलेगी कैसे, उनको जो पढ़े लिखे युवा उनको कैसे, उनको हाथ को काम मिलेगा। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।